Dear students, this highly informative article has been written by Patrick Pringle. It highlights the efforts of scientists in the medical field in their fight against disease. The essay focuses on the sincere and lifelong work of Sir Alexander Fleming and the discovery of penicillin indeed. The language of the essay is very simple and lucid flowing. Even a common reader can appreciate the contents of the article. This is an article about the developments, the achievements of scientists in the medical field. It is a very brief biography of Sir Alexander Fleming and his discovery of penicillin. The article is surely very interesting. The language is very simple, very common enough to be understood. बेटे ये article जो है medical science की में होने वाली field में होने वाली तरक्की और ख़ास तौर पर सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के हालात ज़िंदगी, इंतहाई मुख्तसर हालात ज़िंदगी और उनकी पेंसिलिन की डिस्कवरी ख़ास तौर पर उसको फोकस करके ये आर्टिकल जो है वो लिखा गया है. ज़बान इंतहाई सादा आम फहम है और इंतहाई मालूमती मज़मून और एक ख़ास शोबे से मुतल्लिक चुके. तो While penicillin was being hailed as a wonder drug, the name of its discoverer was hardly known outside the medical profession. जबकि पेंसिलिन को एक हैरान कन दवाई के तौर पर खुश आमदेद कहा जा रहा था, हेल्ड इसे वेलकम किया जा रहा था. द नेम ऑफ इट्स डिस्कवरर, इसके दरियाफ्त कुनिंदा का नाम जो था, वाज हार्डली नोन आउटसाइड द मेडिकल प्रोफेशन, कम लोग ही जानते थे मेडिकल के पेशे से बाहर. बहुत कम लोगों को उसके नाम का पता था कि ये कारनामा किस शख्स ने अंजाम दिया. देन सर एलमरोथ राइट रोट ए लेटर टू द टाइम्स, उस वक्त का मरूफ अखबार द टाइम्स, उसे इनके बॉस सर एलमरोथ राइट ने एक खत लिखा, टेलिंग द वर्ल्ड हु हैड मेड द डिस्कवरी, दुनिया को ये बताने के लिए कि ये दरियाफ्त पेंसिलिन की हैरान कौन किस शख्स ने की थी. एंड फ्लेमिंग बिकेम फेमस, और इससे फ्लेमिंग साहब जो थे वो पूरी दुनिया में मरूफ हो गए. ही वॉज नाइटेड इन 1944, नाइट का खिताब दिया गया उन्हें 1944 में. एंड अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर मेडिसिन इन 1945, और नोबेल प्राइज़ जो था 1945 में मेडिसिन के लिए उन्हें मिला. गवर्नमेंट एंड यूनिवर्सिटीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड शावर्ड हिम विद ऑनर्स, मुख्तलिफ हुकूमतों और यूनिवर्सिटीज़ ने पूरी दुनिया के अंदर उन पर जो है वो एजाजात की बारिश कर दी. ही हैड टू ट्रैवल वाइडली, उन्हें बेहद सफ़र करना पड़ता था, एक जगह से दूसरी जगह, एक मुल्क से दूसरे मुल्क. अटेंड फंक्शंस अटेंड करना पड़ते थे जो उनके ऑनर में रखे जाते थे. मेक स्पीचेस, तकरीर करना पड़ती थी. रिसीव्ड थैंक्स और शुक्रिया कबूल करना पड़ते थे, बेहद ग्रेटिट्यूड. ऑफ्टन पर्सनल एक्सप्रेशंस ऑफ ग्रेटिट्यूड फ्रॉम पीपल, अक्सर जो था ज़ाती किस्म के जो थे शुक्रिया के जज्बात लोगों से वसूल करते थे वो. हु ओन्ड देयर लाइव्स टू दिस डिस्कवरी, जो उनकी इस दरियाफ्त से उनकी ज़िंदगियां जो थी वो बची. इन इटली वंस, एक बार इटली के अंदर एट ए मेडिकल गैदरिंग, जहाँ मेडिकल के लोग जमा थे, मेडिकल के शोबे के लोग जमा थे, एक तकरीब हो रही थी उनके एजाज में, एन अननोन मैन इन शॉर्ट स्लीव्स पुश्ड हिमसेल्फ, एक नामालूम आदमी जिसने आधी स्लीव्स की शर्ट पहनी हुई थी अपने आप को आगे लेकर आया. एंड हिज थ्री चिल्ड्रन, और अपने तीन बच्चों को साथ लेकर आया. फॉरवर्ड टू रीच फ्लेमिंग, धक्के देता हुआ आगे बढ़ा और फ्लेमिंग तक पहुँच गया. इफ़ दीज चिल्ड्रन आर अलाइव ही सैड, उसने ज़ोर से पुकारते हुए कहा, अगर ये तीन बच्चे आज जिंदा हैं, ही सैड दे ओव इट टू यू सर, ये आपकी मरहूने मिन्नत है, इनकी ज़िंदगी आपकी वजह से बची है. देन पॉइंटिंग टू फ्लेमिंग, तब फ्लेमिंग की तरफ इशारा करते हुए, ही टोल्ड हिज चिल्ड्रन, उसने अपने बच्चों को बताया, नेवर फॉरगेट टू एस्क गॉड इन योर प्रेयर्स टू ब्लेस दिस मैन, कभी जब भी आप अपने अल्लाह से दुआ करो तो इस आदमी का नाम अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना, कभी इसे मत भूलना.
बट फ्लेमिंग प्रोटेस्टेड दैट सच ग्रेटिट्यूड वॉज नॉट ड्यू टू हिम। लेकिन फ्लेमिंग जो थे वो अक्सर एहतजाज करते थे कि इस तरह का जो है ममनूनियत जो है वो उसके हकदार न थे, ड्यू टू हिम। एवरीवेयर आई गो पीपल थैंक मी फॉर सेविंग देयर लाइफ, जहाँ कहीं मैं जाता हूँ लोग मेरा शुक्रिया अदा करते हैं उनकी ज़िंदगियाँ बचाने के लिए, ही सैड, अक्सर वो कहा करते थे। आई डू नॉट नो वाई दे डू इट, मुझे नहीं पता लोग ऐसा क्यों करते हैं। आई डू नॉट डू एनीथिंग, आई डिडंट डू एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं किया। नेचर मेक्स पेंसिलिन, फितरत जो है वो पेंसिलिन बनाती है। आई जस्ट फाउंड इट, मैंने तो महज इसे दरियाफ्त किया। इट वॉज नॉट जस्ट मोडेस्टी, ये महज उसकी आजजी न थी। दैट मेड हिम से दिस, जो उससे ये कहलवाती थी। इट वॉज ए री स्टेटमेंट ऑफ हिज बिलीफ इन द हीलिंग पावर ऑफ नेचर, बल्कि ये एक तरह से उसका बयान था, उस ईमान का हिस्सा था जो वो फितरत की ये जो हीलिंग पावर है फितरत की, उस पर ईमान जो वो रखता था कि कुदरत के अंदर जो है वो इलाज की जो है वो कुव्वत अल्लाह तबरक व तआला ने जो है फितरत में रखी हुई है। ही प्रोटेस्टेड विगरसली, ज़ोरदार तरीके से एहतजाज करता था, विगरसली पुरजोर तरीके से, अगेंस्ट द आइडिया कि इस तसव्वुर के खिलाफ दैट पेंसिलिन वाज ए मैन मेड इन्वेंशन, कि ये शायद पेंसिलिन जो थी वो इंसान की बनाई हुई कोई दरियाफ्त थी। आई हैव बिन अक्यूज्ड ऑफ इन्वेंटिंग पेंसिलिन, मुझ पर यह इल्ज़ाम है कि मैंने पेंसिलिन जो है वो ईजाद की है। बट नो मैन कुड हैव डन दैट, लेकिन कोई भी आदमी ऐसा नहीं कर सकता। नेचर इन द फॉर्म ऑफ ए लोली वेजिटेबल, फितरत ने एक इंतहाई कमज़ोर किस्म की, कमतर दर्जे की एक सब्ज़ी की शक्ल में, हैज़ बिन मेकिंग इट, इसे फितरत पैदा कर रही है फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, कई सदियों से, कई हज़ार सालों से। आई ओनली डिस्कवर्ड इट, मैंने तो महज इसे दरियाफ्त किया। एंड ऑलवेज ही इंसिस्टेड दैट ही डिस्कवर्ड इट बाई चांस, और इस बात पर भी वो हमेशा इसरार करते थे कि मैंने इसे इत्तफाकिया तौर पर दरियाफ्त किया, ये मेरा कोई कारनामा नहीं है, यानी ये फितरत के अंदर ही, ये इसे कहते हैं आजजी। तो वो प्राउड बंदा नहीं था, इतनी बड़ी दरियाफ्त करने के बावजूद ही बस वेरी हम्बल, वेरी मोडेस्ट। हैप्पी इज ही हु ऑलरेडी बिलोंग टू हिस्ट्री इन हिज ओन लाइफ टाइम, सैड लॉर्ड मुरैन, रेफरिंग टू फ्लेमिंग। फ्लेमिंग को हवाला देते हुए लॉर्ड मुरैन ने एक बार कहा कि वो शख्स कितना खुशकिस्मत है खुश जो अपनी ज़िंदगी ही में, लाइफ टाइम में, तारीख का हिस्सा बन जाए। बट फ्लेमिंग वॉज नॉट हैप्पी इन द लाइम लाइट, लेकिन इस शोहरत की रोशनी में फ्लेमिंग खुश नहीं थे। आई एम ए सिंपल बैक्टीरियालॉजिस्ट, इस एड बॉक्सर कहा करते थे कि मैं तो एक सादा सा बैक्टीरिया पर रिसर्च करने वाला डॉक्टर हूँ। एज सुन एज ही कुड स्लिप अवे, जैसे ही उन्हें खिसकने का मौका मिलता था, ही वेंट बैक टू हिज लेबॉरेटरी, तो वो अपनी लेबॉरेटरी में वापस चले जाते थे एट सेंट मैरीज, अपने उस हॉस्पिटल में, एंड गॉट बैक टू वर्क, और काम में जुट जाते थे अपना रिसर्च का वो काम जो था। द अमेरिकन्स विजिटेड द लेबॉरेटरी, एक बार अमेरिका के डॉक्टर्स जो थे, साइंसदान जो थे, उन्हें इस लेबॉरेटरी की विजिट करने का मौका मिला। एंड वर अमेज्ड, और वो हैरान रह गए। वन सेड इट वॉज लाइक द बैक रूम ऑफ एन ओल्ड फैशन्ड ड्रग स्टोर, कि ये किसी पुराने दवाइयों के स्टोर का एक वो पिछला कमरा नज़र आता है, यानी इंतहाई खस्ता हालत में थी ये लेबॉरेटरी। ही फाउंड इट हार्ड टू बिलीव दैट पेंसिलिन कुड हैव बीन डिस्कवर्ड देयर, उसे इस बात पर यकीन करना मुश्किल नज़र आ रहा था कि पेंसिलिन इस तरह के माहौल में दरियाफ्त हो सकती थी, इतनी बड़ी दवाई। फ्लेमिंग लॉफ्ट, फ्लेमिंग हंस पड़े, कह कहा लगाया उन्होंने। एंड इन डिट्रॉयट वेरी वॉज शोन ओवर द लास्ट वर्ड इन रिसर्च लेबॉरटरीज, और डिट्रॉयट अमेरिका में जब उन्हें जब वो रिसर्च लेबॉरटरी दिखाई गई, ए ग्लीमिंग डस्टलेस एयर कंडीशनड स्टेरियलाइज सेंक्टम, एक ऐसी लेबॉरटरी जो बहुत चमक दमक वाली थी, ग्लीमिंग डस्टलेस, जिसमें गर्द बिल्कुल नहीं थी और एयर कंडीशनड थी, मुकम्मल तौर पर स्टेरियलाइज्ड और मुकम्मल तौर पर डिसइनफेक्टेड थी, स्टेरियलाइज हुई हुई थी। सेंक्टम एक बिल्कुल सेंक्टरी की तरह से, जैसे एक वो लेबॉरटरी होती है। ही शॉक्ड हिज होस्ट्स बाय सेइंग, उसने हैरान कर दिया अपने मेज़बानों को ये कहते हुए, वंडरफुल, बहुत शानदार है आपकी भाई लेबॉरटरी, बट पेंसिलिन कुड नेवर हैव बीन डिस्कवर्ड इन ए लैब लाइक दिस, लेकिन इस तरह की लेबॉरटरी में पेंसिलिन कभी दरियाफ्त ना हो पाती। वैन दे सॉ द पॉइंट दे कुड नॉट डिनाई इट, जब वो इस नुक्ते तक को पहुँच गए, को मेडिकल के लोग पहुँच जाते हैं कि ये गंदी जगह पर ही इसने काबू आना था, वो मोल्ड स्पोर ने आना था, इतनी साफ़ सुथरी जगह पर जो है वो कहाँ से बाहर से एक मोल्ड स्पोर आता है, एक फफूंदी उड़कर आती। देयर कल्चर प्लेट्स वर नेवर कंटेमिनेटेड, इनकी जो वो तहकीकाती
कल्चर प्लेट्स थी वो कभी उन पर जो है वो कंटेमिनेशन नहीं हुई, वो उस पर मुज़र असरात नहीं डले। फार द एयर वॉज टू प्योर, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी थी। देर वॉज़ नो वे इन फार स्पोर्स ऑफ ए कॉमन मोल्ड, तो किसी भी तरह से फफूंदी के टुकड़े जो थे बाहर से आने का उनका कोई चांस नहीं था। नो वे, कोई रास्ता नहीं था। इतनी ज़बरदस्त ये लेबॉर्ट्री थी, तो पेंसिलिन दरियाफ्त नहीं हो सकती थी इस तरह के शानदार मॉडर्न लेबॉर्ट्री में। फ्लेमिंग्स अचीवमेंट वॉज नॉट ओनली द डिस्कवरी ऑफ पेंसिलिन, फ्लेमिंग की कारनामा जो था वो महज इस पेंसिलिन की दरियाफ्त ही ना था। एज द सर्जन जनरल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स फोर्सेस सेड, जैसे कि जो सर्जन जनरल थे अस्थाई मुतहदा अमेरिका के अफवाज के, उन्होंने एक बार कहा, फ्लेमिंग लाइक पास्चर, फ्लेमिंग ने पास्चर की तरह हैज़ ओपनड अप ए न्यू होल्ड वर्ल्ड ऑफ साइंस, साइंस की दुनिया का एक नया दरवाज़ा जो है वो खोल दिया है, एक नई दुनिया खोल दी है। ही फाउंडेड द एंटीबायोटिक, उन्होंने इसको दरियाफ्त किया है एक एंटीबायोटिक को, बीमारियों के खिलाफ लड़ने वाली दवाई को, दैट इज़ ग्रोथ इनहिबिटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, जिसे कि हम कह सकते हैं कि एक ऐसा तरीका इलाज जो बीमारियों में जरासीम की जो अफजाइश है उसे रोकता है, इनहिबिटिंग। ही प्रोवोक्ड अदर्स टू सीक न्यू एंटीबायोटिक्स, उन्होंने उभारा दूसरे बहुत से लोगों को कि वो नई एंटीबायोटिक्स जो हैं वो दरियाफ्त करें। एंड ऑल रिसर्च वर्कर्स शुड बी ऑन द लुक आउट फॉर देम, और तमाम जो रिसर्च करने वाले थे वो तलाश में जुट गए, पार्टिकुलरली इन मोल्ड्स एंड फंजाई, और इस तरह की फफूंदियों और फंजाई के अंदर उन्होंने अपनी रिसर्च को जो है वो डाल दिया। एंड आउट ऑफ दीज रिसर्चेस, और इन तहकीकात में से, विच बट फॉर फ्लेमिंग वुड नॉट हैव बीन स्टार्टेड, केम न्यू ड्रग्स, जो फ्लेमिंग के लिए तो शुरू नहीं हुई लेकिन इनमें से नई अद्वियात जो थी वो दरियाफ्त होना शुरू हो गई, मेड बाई नेचर, जो फितरत ने भी बना रखी थी, एंड एट लास्ट डिस्कवर्ड बाई मैन, और आखिरकार इंसान ने इनको दरियाफ्त कर लिया। ऑफ विच द बेस्ट नोन एट प्रेजेंट इज स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन एक मौजूदा दौर की एक अहम दवाई है जो आजकल मरूफ है। फ्लेमिंग हिमसेल्फ रिगार्डेड दिस एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ हिज वर्क, फ्लेमिंग बजाते खुद भी कहा करते थे कि ये स्ट्रेप्टोमाइसिन मेरे काम के नतीजे में एक बहुत शानदार दवाई पैदा हुई है। इवन बिफोर पेंसिलिन वाज इन जनरल यूज ही सेड, इससे पहले कि पेंसिलिन का इस्तेमाल आम होता उसने कहा, फ्लेमिंग ने कहा, द ग्रेटेस्ट बेनिफिट पेंसिलिन हैज़ कन्फर्ड, जो पेंसिलिन ने सबसे बड़ा फ़ायदा इंसानियत को पहुँचाया है, इज़ नॉट टू द ड्रग इट्सेल्फ, वो बजाते को दवाई नहीं बल्कि, बट द फैक्ट दैट इट्स डिस्कवरी हैज़ स्टिमुलेटेड न्यू रिसर्च, बल्कि इस दरियाफ्त से पैदा जो नई तहरीक पैदा हुई है तहकीक की, टू फाइंड समथिंग बेटर, कि और बेहतर चीज़ें तलाश की जाएँ, वो इस दवाई का कारनामा है, कि नई रिसर्च के लिए वो इम्पीटस मिला है, तहरुक मिला है, तहरीक मिली है। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 73, 73 बरस की उम्र में, 55 में सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने वफात पाई। हिज वर्क विल नेवर डाई, लेकिन उनका काम जो है वो कभी नहीं मरेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा, हमेशा हमेशा बाकी रहेगा। लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल एक साइंसदान की, मेडिकल मैन की, उसको यहाँ मुख्तसर तौर पर पेश किया गया है। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेशन। द टेक्स्ट पोर्शन ऑफ द लेसन इज कंप्लीट टुडे। सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन इट इज़ अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय फ्रॉम माई साइड।